सजनों के काष्ठम छन में दूर करे। हर पूर्णमासी को गौ माता को खिलाया जाता है। राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका दास मनोहर दास और वेलकम करता हूं आपका माही ब्लॉग्स पाकिस्तानी में। तो आज पूर्णमासी है तो यहां पे घर पे ना छोटा सा बच्चियां पाठ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ वो वीडियो शेयर करता चलूं कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू कम्युनिटी किस तरह से पाठ करते हैं, कैसे भोग बनाते हैं। ठीक है, तो मैं जा रहा था अभी उसी घर की तरफ, तो यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो आप, क्या कहते हैं, क्या ठिकरियाँ, वो क्या होता है? अच्छा जी, तो आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो अभी आरती स्टार्ट होने लगी है, तो हम आरती करते हैं और उसके बाद कथा समाप्त करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भगत जनों के संकट सास जनों के काष्ठम छन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आरती भी हो गई है, भोग भी लग चुका है, तो अभी कथा का समाप्ति का टाइम है। तो कथा समाप्त होते है, उठ चलो हनुमान, पांच वटी में बैठकर सदा करो कल्याण। तो हम यहाँ पे कथा समाप्त करते हैं। तो श्री गीता जी का पाठ भी हो गया है, तो हम भोग लेते हैं। तो जय श्री राम। तो ये हलवा है, ये सूजी का हलवा है, तो भोग बनाया हुआ है, बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे हाथ में पेड़े हैं, ठीक है, गेहूं के पेड़े हैं, गंदम के बने हुए, तो ये गाँव माता को देने, तो ये मैं लेके जा रहा हूँ गाँव को देने के लिए। गाँव मतलब कि ये एक एक करके ना जितनी भी यहाँ पे हैं उनको खिलाना है। अच्छा जी, तो एक एक करके ना सबको खिलाते हैं ये पेड़े। मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो एक हाथ में मोबाइल है, तो ये पेड़े वाला थाल जो था जो मुस्कान को दिया हुआ है, लक्ष्मी को, अच्छा, लक्ष्मी को दिया हुआ है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आओ जी, खाओ, कौन खाता तो यहाँ पे गाय का दूध निकाले हैं और मैं इनको पेड़ा खिलाता हूँ, ये लो। ये दो पेड़े रह गए, तो यहाँ पे दो और गाय हैं, उनको खिलाता हूँ। गाय आओ भी, इनको खिलाते हैं, ये लो। ये आपको बताता चलूं कि हर पूर्णमासी को गौ माता को खिलाया जाता है, दिया जाता है इनको।